आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लाई हूँ जिसे आप ब्रेकफास्ट या फिर डिनर में इंजॉय कर सकते हैं। लाइट होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है और बहुत ही डिलीशियस साउथ इंडियन डिश है। इसे यहाँ पर बहुत इंजॉय किया जाता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे वेजिटेबल्स जो चाहिए वो हमने यहाँ पे लिया है कैरेट। आज मैंने हाफ कैरेट लिया है जिसको बारीक चॉप कर लेना है, साथ ही हाफ कैप्सिकम, एक बड़ी प्याज, इसके साथ मैंने बीन्स ली है और मटर भी ली है। मटर आपके पास फ्रेश अगर ईजिली अवेलेबल हो जाती है तो अच्छा है, अदरवाइज़ फ्रोज़न मटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग 1 कप आपको ले लेना है सूजी, जो कि मोटा वाला रवा आता है ना, वो वाला रवा लेना है। तो यहाँ पर स्पेशली इसी के नाम से यहाँ पर मिल जाता है मोटा रवा, और यहाँ पर ही हमें मोटे रवे को भून लेना है घी के साथ में। इसका जायका ही घी के साथ आता है, इसीलिए इसको रोस्ट कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा पहले से रोस्टेड था, मैं अपने बेटे के लिए रोस्ट करके रखती हूँ इस तरह से थोड़ा सा रवा, तो मैंने उसको पहले ही रोस्ट करके रखा था। पर इस रेसिपी में थोड़ा ज़्यादा रोस्टेड चाहिए हमें, तो हमने यहाँ पर घी के साथ इसको हल्का सा और रोस्ट कर लिया है। और यहाँ पर मैं घी के रिप्लेसमेंट में ले रही हूँ ऑयल, जिसमें मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे और इसके साथ साथ थोड़ा सा जीरा डालना है। अब करी पत्ता डाल देंगे, हमारी साइड यहाँ पर तो करी पत्ता इजीली अवेलेबल है। हींग डाल देंगे, अगर आपके पास नहीं है तो अरेंज करके इसको, तभी इसमें टेस्ट आता है। यहाँ पर सबसे पहले, जैसे कि हम पहले से ही भूनते हैं प्याज को, वैसे ही भून लेना है। लहसुन का यूज़ इसमें जनरली नहीं किया जाता है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसको हम भून लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर बीन्स, मैंने 3 पर्टिकुलर साइज़ की बीन्स ली हैं, और उसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है कैरेट, और इस सबको हमने सौते कर लिया है। इसको आप घी में भी बना सकते हैं, घी के साथ ही इसका बेहतरीन जायका आता है, बट हेल्दी भी बनाना है तो इसीलिए मैंने घी नहीं डाला है इसमें एक्स्ट्रा। और इसमें हमने डाल दिया है नमक, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, उसके साथ साथ हमने इसमें मटर डाल दी है जो कि फ्रोज़न मटर है, वॉश अच्छे से करके हमने इसमें भून लिया है। अब सबसे पहले इसमें डाला जाता है चने की दाल, जो कि मैं भूल गई थी डालना, और ये बहुत ज़्यादा क्रंची ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको सेपरेट भून रही हूँ। तो आप इसे अलग पैन में सेपरेट भून लेंगे चने की दाल को। लास्ट में मैंने शिमला मिर्च ऐड की है, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है, और इसको पहले से ही डाल देंगे तो ये सौगी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको शिमला मिर्च लास्ट में डालनी है, सारी वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो जाएं। इसी स्टेज पर आपको ऐड कर देना है चना, जो कि हमने चने की दाल को रोस्ट किया था, हल्का सा उड़द दाल डाला है। यहाँ पे जो उड़द दाल यूज़ होती है वो बिना छिलके वाली यूज़ होती है इस तरह से, बट मेरे पास आज अवेलेबल नहीं थी तो मैंने यही वाला यूज़ कर लिया है। उसी ऑयल, रिमेनिंग जो ऑयल है हमारे पास, उसमें हमने यहाँ पर मूँगफली को, काजू को और एक सूखी मिर्ची को भून लिया है, इसको साइड रख देंगे। अब हमने यहाँ पे जो वेजिटेबल्स सौते की हैं, मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल सेपरेट निकाल दी हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ऐड करूँगी, अदरवाइज़ मैं उसको और रेसिपी में यूज़ करूँगी। यहाँ पर हमने जो रवा भूना था उसको हम ऐड कर देंगे। देखिएगा, इस तरह से रवा को भून के अच्छे से मिक्स कर लेना है, अभी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। और इसको देख के बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि अरे हम तो हलवा खाते हैं, इसका ये क्या इन्होंने नमकीन नमकीन सा बना दिया, अच्छा लगेगा भी नहीं लगेगा। तो जितने भी आप साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पर ये रेसिपी आप मांगेंगे तो सच में आपको मज़ा आ जाएगा, और हर बार इसको बनाने का आपका मन करेगा। तो इसमें आप पानी डाल देंगे, मैंने इसमें 1 ग्लास से थोड़ा सा पानी ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि रवा ज़्यादा पानी पीता है, तो हम इसको हल्की आँच में ढककर पका लेंगे। सॉल्ट हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, बीच बीच में स्टिर करते रहना है, जैसे कि मैं आज स्टील की कढ़ाई में बना रही हूँ, और इसमें बड़ा रिस्की रहता है सब कुछ बनाना, तो या तो नॉनस्टिक यूज़ करिए, बट नॉनस्टिक बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, इसलिए मैं जितना हो सकता है उतना नॉनस्टिक पैन को अवॉइड करती हूँ। तो इस तरह से देखिए ढककर रख दिया है, कुछ देर बाद मैंने इसकी आँच को बंद कर दिया था, और इस तरह से स्टीम पे पकने के बाद ये बेहतरीन हो गया। अब देखिए बचे हुए मैंने सब्जियों का क्या किया, इस तरह से राइस में मैंने जीरा का, मिर्च का तड़का लगा के सारी वेजिटेबल्स को मिक्स कर दिया है। अब लास्ट में जब हमने गैस को बंद कर दिया है, उसके बाद में यहाँ पे हमने कर्ड लिया है, लगभग हाफ बोल आपको कर्ड ले लेना है, यानी कि एक छोटी सी कटोरी जो है वो कर्ड ले लीजिएगा, और लास्ट में आपको मिक्स करना है। गैस को इस टाइम पे आप बिल्कुल कम पे रखेंगे या फिर बंद कर देंगे, मैंने बंद कर दी थी, और इस टाइम पे आप कर्ड को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये नेसेसरी स्टेप है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है आपका उपमा का, इसे उपिटू भी कहा जाता है। तो अगर आप अपनी साइड कहीं उडुपी वाला या किसी भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर उपमा ज़रूर मंगा के खाइएगा, अगर घर पर नहीं बना पा रहे हैं आप तब।
पर मैं कहूँगी जितना इजीली घर पे बनाना है इसको आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं, हेल्दी भी है, डिलिशियस भी है और साथ ही साथ टेस्टी तो होता ही है। इसे घी के साथ सर्व करिएगा बच्चों को दे रहे हैं तो। और इसमें ही हमने काजू के साथ इसको गार्निश किया है, थोड़ा सा मूँगफली के दाने डाल देंगे। और इसको देखिए मैं एक छोटी सी कटोरी में हल्का सा ऑयल या फिर घी स्प्रेड करके उसमें नीचे ड्राई फ्रूट्स लगाकर इस तरह से हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। कटोरी में डाल दिया है, ईजिली निकल आएगा। और इसी तरह से देखिए इसकी प्लेटिंग यहाँ पर की जाती है। और जब भी आप रेस्टोरेंट या कहीं भी जाएंगे तो उपमा आपको इसी तरह से सर्व होकर मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ही डिलिशियस सी रेसिपी सूजी की बनती है, जिसकी और रेसिपीज़ मैं आपके लिए जल्दी ही लाऊंगी। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन उपमा आप ब्रेकफास्ट या फिर डिनर में बना सकते हैं। ये मैंने डिनर में बनाया था। जल्दी से रेसिपी को शेयर करिए, लाइक कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, फॉलो और सब्सक्राइब।